नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा पंचमी विषय गणित कालांश है आज अपन का 31 अध्याय 13 मापन प्रश्नावली 13। इससे पूर्व कालांश अपन 30 में अपन ने पढ़ा था दिए गए प्रश्नों के मापन का परिवर्तन करना। मापों का परिवर्तन पूर्व में किया था, मीटर को सेंटीमीटर में बदला, किलोमीटर को मीटर में बदला और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदला। आज उन प्रश्नों का ठीक उल्टा है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, मीटर को किलोमीटर में बदलना और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अपन का एक नंबर 120 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। चूंकि सौ सेंटीमीटर बराबर एक मीटर, तो 120 सेंटीमीटर बराबर 120 भाग 100। ध्यान से देखना, यहीं पर ये जो बदलाव करना है वो यहां पर देखेंगे कि भाई सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करना है कि 100 सेंटीमीटर बराबर एक मीटर हो रहा है तो 120 सेंटीमीटर में मीटर कितने बनेंगे, जीरो से जीरो कम कर दो। अब इसका छोटा रूप करना है, ऐसी कौन सी संख्या है जी इनमें दोनों का भाग जाता है, दो का भाग जाता है, इसमें 6 बार जाता है और इसमें 5 बार। अब यहां पर 5 और 6 है, 5 का भाग अपन 6 में देंगे, 5 एकम 5, 6 में से 5 कम कर दो 1, तो उत्तर क्या आया 1, 1 सही 1/5। तो 120 सेंटीमीटर में कितने बनेंगे मीटर बनेंगे, 1 सही 1/5 मीटर बनेंगे। दूसरा प्रश्न है अपन का 2250 मीटर में कितने किलोमीटर बनेंगे, तो इस प्रश्न को हल कर रहे हैं अपन दो नंबर को। चूंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये किलोमीटर है कि मी लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब 1 किलोमीटर मानना। तो 2250 मीटर में किलोमीटर बनेंगे बराबर 2250 भाग 1000 बराबर। यहां पर चीज ध्यान से देखना कि ये शून्य से शून्य अपन ने कम कर दिए, यहां पर बचे हैं 225, यहां पर बचे हैं 100। अब इनका छोटा रूप जितना हो सकता है अपन कर सकते हैं, 225 का आधा 2 का भाग देके देखते हैं, 225 का आधा होता है 225 का आधा 160/12 के आसपास आएगा, और यहां पर होता है 50। अब ध्यान से देखना इसका, या सीधा 100 का भाग ले ले दो, 100 का भाग 225 में दे दो, 100 दो ना 200, घटाओ 225 में से 200 कम करेंगे शेष बचेंगे 25। अब अपन के पास में उत्तर आए 225/100। अब इसमें 25 का भाग 100 में कितनी बार जाता है, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो बराबर 2 सही 1/4 क्या हो गया 1 किलोमीटर। तो यहां पर उत्तर आएंगे 2 सही 1/4 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 3 है, 50 मिलीमीटर में सेंटीमीटर कितने बनते हैं। इस प्रश्न को भी ध्यान से देखना, पहले पूर्व के कालांश में अपन ने जो चीजें दे रखी थी इसका उल्टा कर रहे हैं, भाई किलोमीटर मीटर को किलोमीटर में बदलना, सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में बदलना और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदला था। आज अपन इसका उल्टा कर रहे हैं, अब मान लो मिलीमीटर दे रखे हैं और इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 10 मिलीमीटर बराबर
एक सेमी लिख रहा हूं सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर एक सेंटीमीटर, तो 50 मिलीमीटर बराबर 50/10। अब 10 का पहाड़ा कितनी बार बोलते हैं तो 50 आते हैं, 5 बार बोलते हैं तब 50 आते हैं, तो यहां पर अपन के कितने आएंगे 5 सेंटीमीटर। 50 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर बढ़ेंगे, 5 सेंटीमीटर बढ़ेंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर बनते हैं, तो 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40 और 5 में 50। अगला प्रश्न है अपन का कि मंजू के गांव से शहर 46 किलोमीटर दूर है। इस प्रश्न को इधर हल कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। मंजू के गांव से शहर की कुल दूरी है बराबर 46 किलोमीटर। अब आगे क्या हो रहा है कि 32 किलोमीटर 600 मीटर दूर जाने के बाद बस खराब हो गई, बस खराब हुई बराबर 32 किलोमीटर 600 मीटर पर, मीटर पर। तो ये प्रश्न कह रहा आगे, तो मंजू को कितनी दूरी तय करनी बाकी है, तो मंजू दूरी तय करेगी बराबर 46 किलोमीटर माइनस बाकी का चिन्ह 32 किलोमीटर 600 मीटर। घटाव का प्रश्न है, अब 46 किलोमीटर में से 32 किलोमीटर 600 मीटर अपन को घटाना है। ध्यान से देखना इस प्रश्न को, अब 600 मीटर किलोमीटर में से 600 मीटर कम करना, 1 किलोमीटर अपन इधर ले लेंगे तो बन जाएंगे 1000 मीटर। ध्यान से देखना, अब 1000 में से 600 कम करना है अपन को, 0 में से 0 गया 0, और यहां पर 0 में से 0 गया 0 और 10 में से 6 गए 4। आगे किलोमीटर की बारी, अब 1 किलोमीटर अपन ने इधर से इधर ले लिया तो यहां पर बचे शेष 45 किलोमीटर, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 3 गया 1। मंजू को कितनी दूरी तय करनी थी, 13 किलोमीटर 400 मीटर की दूरी तय करनी थी। आज का प्रश्न इतना ही, धन्यवाद।